ओ भाई क्या स्पीड से जा रही है यार ये भाई, गदर स्पीड है। चलो भाई बोल, तो भेज दी थी। और भाई ये बचे थे अब बतख के अंडे। तो लो गाइस, अब मैं लाया हूँ स्वराज 744 को भी लेके आए हैं भाई इसके अंदर। तो मैं लाया हूँ महिंद्रा को, एक ट्रॉली मैंने और ली है भाई 10 मिलियन वाली। तो चल भाई इसमें चलते हैं अपने स्वराज के अंदर, लट्टे वट्टे ऑन कर लेते हैं जरा इसकी। तो आज भाई स्वराज के साथ बेचेंगे माल। चल भाई, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू स्टार्स गेमिंग चैनल। तो दोस्तों आज हम फिर से खेलने वाले हैं फार्मिंग सिमुलेटर 19। और भाई पिछली बार हमने लगाया था गन्ना, और गन्ना लगा के भाई साहब जिंदगी का स्वाद आ गया। तो पिछली बार भाई गन्ने से हमें मिले थे 300 मिलियन डॉलर। तो भाई गन्ने के बाद फिर गन्ना उग गया था, लेकिन मैंने गन्ने को प्लो करके अब लगाया मैंने सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर्स। और मैंने सेटिंग वेटिंग कर दी है सारी, प्लांटर व्लांटर लगा दिए। चलते हैं यार अपने खेत पे। और गाय की सफाई मैंने कर दी थी, गाय की भाई बहुत गंदगी हो रही थी, सफाई मैंने कर दी, अभी बड़ी नहीं है। तो घोड़े अपने तगड़े हो चुके हैं, 12,000 के हमने लिए थे भाई, 5,000 के देखो महंगे, मतलब इसका रेट बढ़ गया। तो इनको बेचेंगे बाद में। बाकी मैंने शीप वगैरह तो सब हटा दिया है, लेकिन वुल पड़ी है बेचने वाली, तो वुल बेचनी है, थोड़ी सी वुल रह गई थी। तो आज चलेंगे भाई एक नई जीप के अंदर, जिसे बना के भेजा स्पेशल मेरे लिए भाई ने, मनजोत तूर भाई ने, मनजोत तूर HR23 भाई का चैनल है। तो ये बनाई है भाई, भाई ने जीप। और टायर देखो भाई इतने मोटे मोटे, और नौजवान किसान एकता रोज का झंडा लग गया होया। और भाई यहाँ लगा शहीद भगत सिंह किसान यूनियन टोहाना हरियाणा। लो भाई हरियाणा के भाई ने भेजी है बना के, मनजोत सिंह तूर हरियाणा में रहते हैं। तो चलो चलते हैं इसके अंदर। और ये है भाई अपनी जीप, है ना भाई सॉलिड। कीबोर्ड करते हैं यार अंदर, अब चलाते हैं इसको, जरा लेते हैं इसका मज़ा। लेकिन भाई ने यार हॉर्न नहीं लगाया, लाइटें भाई इतनी ज़बरदस्त लगाई है ना इसके अंदर, क्या बताऊँ लाइट के लिए। यार एक मिनट, लाइट का बटन इसमें पता नहीं कौन सा है अभी। तो भाई लाइटें देखो भाई, दिन में इतनी रोशनी हो रही है। देखो और स्टपनी देख रहे हो भाई, पीछे स्टपनी लगा रखी है मैंने भाई, इसका हरा कलर करा है। और अपने झंडे देखो लहरा रहे हैं, अंदर से लाते हैं यार इसको जी। तो भाई आगे शीशा लगाया काले रंग का, और साइलेंसर देखोगे तो यार इसका देखो जाली वाला भाई साइड में। ये विली जीप है, और भाई ने बहुत ही बढ़िया बनाई है यार, देखो बहुत ही मज़ेदार भाजी, स्वाद आ गया ज़िंदगी का, बहुत बढ़िया। चलो कट दें इनू, आई मैं निकालते हैं इसको अपने खेत में से, और ले चलते हैं फटाफट से अपने वर्करों के पास। भाई हेल्परों को लगाते हैं जल्दी, चल भाई निकाल दे। ओके, तो यहाँ पर अगर देखें तो भाई थोड़ी सी वुल पड़ी है देखो। तो महिंद्रा खड़ा है अपना, आके बेचते हैं। पहले जरा हेल्परों को काम पे लगा के भाई उनको चालू कर रहे हैं, सूरजमुखी कटवाने। ओ भाई क्या स्किट मार दी इसने भाई, यहाँ पे जरा मड है ना, तो स्किट मार रही है। स्पीड भाई 205 की है। ओ ये कहाँ गया इसका मुंह, किधर चला गया भाई ये जरा। तो आगे लगे भाई झंडे किसान एकता के, और शीशे देखो दोनों शीशे भाई बहुत फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। काश इसमें हॉर्न भी होता अच्छा सा। मैंने दरअसल हॉर्न गाड़ी तो मैंने चेक कर ली थी, लेकिन हॉर्न मैंने भाई ध्यान नहीं दिया हॉर्न का मैंने अभी देख। चलो भाई इसको निकालते हैं और ले चलते हैं अपने खेत पे, भगाते हैं इसको, देखते हैं जरा कितनी स्पीड होती है भाई इसकी। ये जा रही है भाई देखो, छलांगे मारती, ये भाई 82 की स्पीड हो चुकी है, 101 रोड के सेंटर में चलाएंगे भाई ये। ओ भाई क्या स्पीड से जा रही है यार ये भाई, गदर स्पीड है। ओ भाई ये जा रही है अपनी जीप। ओ भाई स्लिप मारती है बहुत, ब्रेक तो बहुत तेज है। चलो यार अंदर से यहाँ चलाते हैं इसको। तो इस गेम के अंदर जरा ऐसे ही है, गाड़ियाँ ऐसी चलती हैं इसके अंदर। ये भाई इसका बैलेंस नहीं बन रहा, एक मिनट भाई माउस को छोड़ के अंदर चलाता हूँ तो चलेगी। चलो आज मारेंगे भाई शॉर्टकट, आज रोड से नहीं चलेंगे, तो शॉर्टकट मार देता हूँ यहीं से खेतों के अंदर से। तो भाई आगे नहर ना हो बस। ओ भाई इसके स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं रहता, स्पीड बहुत ज़्यादा होने के बाद इस गेम में और बाकी गेम्स में भाई फ़र्क है। तो ट्रैक्टर तो होते हैं स्लो स्पीड के ना, इसलिए वो चल जाते हैं भाई इसकी। ओ भाई आगे पानी है क्या? ओ यार आगे पानी आ गया, चलो पुल के अंदर से यहाँ से निकालते हैं। ओ यार ये तो घूमती बहुत है देखो, घूम बहुत ज़्यादा रही, इसकी कटिंग बहुत कम है, तो कटिंग इसकी इतनी है टायर की। ओके भाजी हॉर्न लगाते और मज़ा आता सच में, हॉर्न मैंने भी देखा नहीं यार, भाई कहाँ गया भाई रोड कहाँ गया ये रहा। तो या भाई यहाँ नदी भी है ना बीच में, ये दिक्कत है। तो नदी से निकालते हैं यहाँ से, ये
तो रेंच आ गया। तो यार इसमें गाड़ी चलाने का मजा आता है ना। तो ये अभी 1000 मिलियन डॉलर चैलेंज का कौन सा पार्ट है भाई, दसवां है ये शायद, 10वां पार्ट है शायद। तो अपने पास भाई 747 मिलियन डॉलर तो हो चुके हैं, बस अब हमें चाहिए थोड़े से। और ये जीप जा रही है भाई छलांगे मारती, जीप जा रही घूमती फिरती, तो इसको भाई आराम से चलाने का मजा आएगा। तेज ज़्यादा स्पीड पर नहीं चलती, ज़्यादा स्पीड पर ये इधर उधर भाग रही, तो धीरे धीरे चलाते हैं इसको। बस बस 80 पे सही चलती है भाई। ऐसे देखो तो भाई टायर देख रहे हो, इस गेम के अंदर यार कंट्रोल नहीं होता स्टीयरिंग पे। और ये कुछ भाई ने बनाई ऐसी है, ये इधर उधर ज़्यादा जा रही है। तो भाई का चैनल है यार, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। जो भाई बनाते हैं इतनी मुश्किल से मोड बनाते हैं भाई, हमें भेजते हैं रिव्यू के लिए। और अभी मैं शॉर्टकट मारने वाला हूँ यहाँ से भी एक जल्दी से। तो भाई अपना खेत आ चुका है सामने बिल्कुल, वो खड़ा मेरा लाल हार्वेस्टर देखो, अगर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से तो ये रहा सामने। ओके लो भाई अपने हार्वेस्टर आ चुके हैं। पिछली बार मैंने ली थी BMW भाई, वो बेच दिया वापस चली गई। ओके भाई लगा ब्रेक, इधर नहीं इधर घुमाते हैं इसको ज़रा। ओके लो भाई आगे अपनी जीप, जीप को खड़ा कर देते हैं अभी यहाँ पे। अब चलते हैं भाई काम पे, तो काम पे भी तो लगाना है ना भाई वर्करों को, अब भाई कीबोर्ड का सारा लेना पड़ेगा। चल भाई इधर को चल। तो इस बार मैंने हार्वेस्टर ज़्यादा नहीं लगाए क्योंकि ये भाई 36 मीटर का हार्वेस्टर है, एडर है, और इस हार्वेस्टर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, 50 की है। तो यहाँ लगा देते जल्दी से हेल्पर, और ये अपना गया एक हेल्पर, सूरजमुखी कटने लगी। लो भाई इतना भाई इतना एरिया साफ हो गया। अब चलते हैं भाई दूसरे के अंदर, यहाँ लगाते हैं हेल्पर इस बटन से जल्दी से। दूसरा हेल्पर आ गया हर्षित, चल। और इसको भाई थोड़ा सेट करना पड़ेगा, पीछे आ जा थोड़ा सा यार, साइड में बैठ। थोड़ा पीछे कर लो भाई, यहाँ लगा दिया हेल्पर एक और, देखते हैं सही कट रहा है। ओके फर्स्ट क्लास, तो राजपूत काका। ओके हर्षित तीन आ गए, और आ गया भाई चौथा, शुरू हो जाए भाई अजय। और भाई इस बार मैंने यहाँ पर एक ही लगाया क्योंकि ये कोने से काटेगा। तो इस बार जो हार्वेस्टर ये वाले हैं ना भाई, ये बिल्कुल सीधा जाएंगे यहाँ तक, बिल्कुल एंड तक जाएंगे बीच, क्योंकि जगह बच जाती है। और इधर लगाए मैंने तीन मैंने इसलिए लगाए हैं, अभी बताता हूँ आपको। तो इसके अंदर चलते हैं एक बार, एंटर मार के। चल यार एंटर कहाँ गया, अरे इसी से चले जाएंगे ना। एंटर व्हीकल, अच्छा एंटर व्हीकल इससे होता है भाई देखो। तो सारे बटन इसमें हैं लेकिन कुछ कुछ छुपे हुए हैं यार, अभी पता नहीं है पूरा। लो भाई ओए छोड़ दी भाई तूने, तो मैंने तीन इसलिए लगाए हैं, ये जो दो है ना, ये दो हार्वेस्टर काटेंगे इस बड़े वाले एरिए को, ये छोटा वाला, ये जो एक हार्वेस्टर ये छोटे एरिए को काटेगा। तो मैंने इस हिसाब से लगाए तीन, बस तीन बहुत हैं क्योंकि भाई 36 मीटर के तीन हो, 100 मीटर के हो गए तीन हेडर। वैसे मैं लगाता हूँ यहाँ पर 6 16 मीटर के, तो 16 5 80, तो 100 मीटर के वो होते हैं 6, और ये भाई बड़े हैं जिसके मैंने लगाए हैं तीन। तो ये आ गया भाई स्टार सन्नी, अच्छा स्टार भी आ गए। लो भाई तो ये भाई पहले काटेगा थोड़ा सा, फिर ये सीधा चला जाएगा। और ये भाई काट के इधर, ये इधर काटते रहेंगे, मैं इसको जब यहाँ पर पहुँचेगा तो भाई मैं इसको इधर से लगा दूंगा ऐसे। ये देखो ये आ गया, चलो इसको लगा ही देते हैं यार, क्योंकि एक लाइन काटनी थी मेरे को साइड वाली, ताकि इसको घूमने की जगह मिल जाए। तो अब मैं इसको लगाता हूँ जरा दूसरी तरफ, इसको हटा देते हैं एक बार। चल भाई बस बस बस, ओके ओके वापस आ जाए, इसको घुमा लेते हैं भाई एक बार वापस को, और अब ले चलते हैं आगे इधर को। चलो चल भाई ठीक है, थोड़ा सा हो, बस 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 आ जा वापस आ जाए, बस ठीक है चल आगे। ओके लो भाई काटना शुरू करते हैं अब यहाँ से, ये कटी ठीक है। अब ये सीधा जाएगा और राइट को घूमेगा, वो वाला फील्ड अलग हो जाएगा, ये वाला फील्ड अलग हो जाएगा। अब एक बार इसको देख लेता हूँ मैं, क्योंकि राइट में चला जाए, अगर ये लेफ्ट में जाएगा तो भाई आपस में भिड़ जाएंगे। तो इसको एक बार राइट को घुमा देता हूँ, स्पीड देख रहे हो भाई इसकी, अगर इसकी स्पीड भाई 50 की है तो ये बहुत जल्दी काट देंगे। अब सूरजमुखी आज कितनी मिलेगी और कितने मिलियन की बिकेगी ये कुछ नहीं पता। वैसे जो फील्ड इंफॉर्मेशन का टूल है वो बता रहा था कि 10 मिलियन मिलेगी, 10 मिलियन सिर्फ मिलेगी,
सनफ्लावर, अब पता नहीं 10 मिलियन मिलेगी, 50 मिलेगी, 20 मिलेगी, मुझे नहीं पता, अभी कटने के बाद पता चलेगा। तो एक बार ज़रा इसको काट के इसको मैं साइड में कर दूँ, ये क्योंकि सीधा चला जाएगा, इसको बस यहीं पर रोक देते हैं। चल चल चल, थोड़ा सा और। तो जितनी बड़ी ज़्यादा कैपेसिटी के लगाते हैं ना हम हार्वेस्टर वगैरह ये, तो उतनी ही ज़्यादा लैग होती है। बस ओके 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 ओके, वापस आ वापस आ, काटा नहीं भाई ने यहाँ से। ओके तो चलो यहाँ से मैं ही काट देता हूँ थोड़ा सा ये। ओके चल भाई, अब इसको घुमाते हैं थोड़ा सा आगे ले जाके, क्योंकि यार बहुत बड़ा है ना हेडर। चल 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 चल, और बस ठीक है। ओके भाई यहाँ लगा देते हैं हेल्पर। अब हेल्पर अपना इस फील्ड को आराम से ये काटता रहेगा अंश, ठीक है। और ये चार हेल्पर अपने इधर काटते रहेंगे और तीनों हेल्पर इधर काट रहे हैं। एक बार सन्नी को भी मुझे भाई राइट में लगाना है इस तरफ को, ताकि ये दोनों भाई ये वाला फील्ड काटें और ये भाई इधर का काटेगा, ठीक है। तो तीन हार्वेस्टर देखो बहुत हैं, ये भाई पहुंच भी गए नहीं जल्दी देखो, और ये भी देखो कहां पहुंच गए। और जो पुराने हार्वेस्टर थे उनकी स्पीड थी 25 की और वो चलते थे बहुत स्लो, तो ये हार्वेस्टर भाई बहुत ही ज़्यादा तेज है। चल भाई पहुंच जल्दी से, फिर मुझे और भी काम है यार। और ये ऊपर भाई बारिश का आइकन क्यों आ रहा है, बादल हो रहे हैं क्या? नहीं यार बादल तो नहीं हो रहे। तो सनफ्लावर लगाई नहीं हमने, सूरजमुखी काफ़ी कम लगाई है, सनफ्लावर्स भी लगानी चाहिए। तो इसका भी तेल वगैरह निकलता है, तो ये भी काफ़ी महंगी बिकती है, इसका रेट 1000 रुपये से, मतलब 1000 रुपये का 1000 किलो से लेके 1500-1600 डॉलर तक चलता है। हिंदुस्तान में क्या रेट चलता है मुझे नहीं मालूम, हिंदुस्तान में 1000 किलो कितने की बिकती है बताना भाई कमेंट करके, अगर आपको किसी को पता है। आप तो बेचते रहते हैं, किसान भाई हैं कई हमारे, मेरे व्यूवर्स हैं उसमें से कई भाई किसानी करते हैं, तो सब किसान भाइयों को सलाम भी है मेरा दिल से, क्योंकि भाई वो बहुत काम करते हैं। और स्टार भाई ब्लॉक्ड हो गया, ये ब्लॉक कैसे हो गया भाई? चलो भाई ये ठीक घूम गया एकदम फर्स्ट क्लास, इसकी कोई टेंशन नहीं है। स्टार ब्लॉक कैसे हो गया भाई, तू कैसे ब्लॉक हो गया भाई मेरे? ये क्या हुआ यार, ये टेढ़ा सा क्यों हो गया? एक मिनट, ये वो ये क्या हो रहा, ये क्या हुआ भाई, तू कैसे ब्लॉक हो गया भाई? एक मिनट यार इसको बंद करते हैं। चल भाई एक मिनट इसको करते हैं भाई फोल्ड, ये पता नहीं किस चीज़ से फंस गया यार। ओ यार ये तो सच में फंस गया यहाँ पर यार, इतनी बार तो काटी फसल की तो कभी फंसा नहीं है, पता नहीं भाई। एक मिनट इसको जरा मैं उठा के बाहर निकाल दूँ, अब ये फंस गया है ना। एक मिनट आ गया रे मेरे टूल, इसको भाई ऑफ कर देंगे तो मेरा हाथ आ जाएगा भाई, इसको उठा के जरा बाहर निकाल दो। हाँ यार पता नहीं कहाँ कहाँ फंस जाते हेल्पर, राजपूत और हर्षित फंस गए। अच्छा 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 ये भी फंस गए। ओके ओके चल भाई कौन फंस गया, तो ये जा रहा है, ये नहीं भाई ये सही है, दूसरा वाला फंस गया। अब ये ऐसे हटेगा नहीं भाई, उधर जाना पड़ेगा। मार्च लांग ये वाला भाई गलत जा रहा, इसको हटाना पड़ेगा। आ जा पीछे आ जा, अबे पाइप क्यों निकाल दिया भाई, पाइप तो बंद कर ले। पाइप निकाल लेते हैं जब भी इनको ऐसा लगता है पास में कोई हार्वेस्टर या कोई ट्रॉली आती है, तो ये भाई ऑटोमेटिकली पाइप निकाल देते हैं। ले आ पीछे ले आ पीछे ले आ पीछे 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 पीछे, और यार इसने वहाँ पे छोड़ दी थोड़ी सी। एक मिनट भाई वो काट के आऊँ पहले मैं जरा। चल 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 निकल 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 भाई तू निकल, उसको जाने देते हैं यार एक मिनट जो। ओके चल इसको काट देते हैं यार, थोड़ा सा यहाँ पे बच गया। ओके चल देखो इतनी जगह भाई इसके पीछे, इस फील्ड के पीछे देख रहे हो कितनी सारी जगह है हमारे पास खाली पड़ी। ओके ले आ ले आ ले आ, और थोड़ा सा इधर को चल, आगे 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 आगे। चल भाई ठीक है यहाँ पे लगा देते हैं इसको हेल्पर को, बस ठीक ही होगा। एक मिनट देख लेते हैं भाई इस तरफ से, थोड़ा सा बाहर जा रहा है यार, थोड़ा इधर करना पड़ेगा। चल अब ठीक है ओके, चल भाई ओके शुरू हो जा, शुरू हो जा भाई जल्दी से जल्दी काट दो। ओके चल भाई ये दोनों सेट हो गए यार, इनको एक बार लगाना पड़ता है ना भाई, हेल्परों को सेट करना पड़ता है।
तो इसको खोलते हैं और लगाते हैं इसको भी। ये पता नहीं कहाँ फंस गया था भाई, वहाँ पे कुछ है क्या? ओ यार ये ओहो अच्छा। अरे वो गन्ना नहीं काटा था भाई, गन्ना वो गन्ने की वो बच गई कुछ, वो गन्ने की वो जो चूरा सा था वो उसका ढेर पड़ा हुआ यार, ये हटाना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, अब इसको फिर निकालना पड़ेगा, ये फिर फंस गया। एक मिनट यार, अच्छा गन्ने का वो पड़ा हुआ वहाँ पे, देख ये मैंने देखा ही नहीं यार, फ्लो तो करा था ये, फ्लो में हटा क्यों नहीं? हेल्पर ने लगता है कि इसको करा नहीं है। एक मिनट भाई, इसको उठा के फिर वापस लाते हैं यहाँ। अब इसको खोलूँगा नहीं, इसको तब मैं खोलूँगा जब भाई इसको पहले घुमा दूँ मैं पहले। हाँ ये देखो, ये इस ढेरी के साथ फंस रहा। चल भाई चल, तो पहले घूम ले इधर पर। अब खोलते हैं इसको, आ जाए वापस और थोड़ा सा आगे आराम से। ओके। अच्छा वो वहाँ फंस रहा था, मैं भी सोचूँ यार यहाँ कभी तो फंसा नहीं है आज तक। हेल्पर टिंकू इज ब्लॉक्ड यार, ये हेल्पर को क्या हो रहा है यार आज, ये कहाँ फंस रहा है? एक मिनट हेल्पर को हटाते हैं, वापस कर। अरे यार इधर ला कीबोर्ड, चल। चल तो रहा भाई फर्स्ट क्लास। हेल्पर काका ब्लॉक्ड, हेल्पर काका ब्लॉक्ड, काका ब्लॉक कहाँ से होगा यार? ये सारे ब्लॉक हो रहे हैं आज, कुछ गड़बड़ हो रही है। ये ढेरी सी देखो रह गई है बाहर। चलो इनको निकालते हैं एक बार पीछे को, नहीं आ रहा भाई इसको, लगता उठा के पीछे करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत हो जाती है यार। वो गन्ने उसका चूरा सा है वो, उसको उठा के रखना पड़ेगा नीचे। चल भाई अब तो चल। अच्छा यार ये नज़र तो आ नहीं रहा, बताओ ये नज़र नहीं आ रहा और ये फंसाया जा रहा सबको, तो इसको साफ करना पड़ेगा। चलो कर दूंगा, इसको प्लो कर दूंगा बाद में एक बार फिर। ओके भाई चल ठीक है। और कौन फंस गया था? बाकी तो सही चल रहे हैं, बाकी सब तो ठीक है। चलो इनको काटने देते हैं, अब चलते हैं भाई अपने फार्म हाउस पे। यार वो एक वुल थी, वुल थोड़ी सी है यार, उसको बेच के आना था। तो कहाँ थी ये है अपनी? हाँ ये खड़ा ट्रैक्टर, लो इसके अंदर चलते हैं, एंटर मार के स्पेस मार के। तो वुल मैंने रख ली थी इसके ऊपर, महिंद्रा 475 DI, और इसको लेके चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं शॉप पे एक बार कि भाई वुल का रेट कहाँ पे मिल रहा है। अच्छा बस ये थोड़ी सी बची यार, इसको बेच के अपना काम ख़त्म करें। मिल स्टेशन टू तो अपने खेत के पास थी, ये तो चलो चलते हैं महिंद्रा को लेके और देखते हैं महिंद्रा कैसे चलता है। भाई महिंद्रा को निकालते हैं, देखो अब लैग वगैरह नहीं हो रही ना ज़्यादा, पहले जानवर बहुत ज़्यादा थे तो लैग हो रही थी। आ जाए भैया, तो ये अभी महिंद्रा 475 DI, निशान साहब का झंडा लगा हुआ आ गया हमारा, तो भाई ने लगा दिया झंडा, चलो अच्छी बात है। तो निकालते हैं इसको भाई आराम से, तो इसको बेचते हैं, उसके बाद फिर हेल्परों से देखते हैं कटिंग वटिंग हो जाएगी। और ओ भाई मट देखो यार, वो चूरा नहीं समझ आया, वो उसका चूरा कैसे रह गया साइडों में, और उस चूरे से यार हार्वेस्टर फंस रहे हैं यार। ये तो कोई बात नहीं हुई, हार्वेस्टर में तो इतनी ताकत होती है, लेकिन भाई अब फंस रहे हैं तो क्या करें, अब उनको सही तो करना पड़ेगा। चल चलो माउस को छोड़ते हैं, आप इससे चलाते हैं। तो ट्रैक्टर सही चलते हैं इसमें, जो गाड़ी है ना हाई स्पीड गाड़ियाँ, उनके स्टेयरिंग थोड़ा सा घुमाओ भाई, वो इधर तो भाग जाते हैं। देखो ट्रैक्टर फर्स्ट पर चल रहा है, देखो सीधा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है ट्रैक्टर में, और फुल जा रहा है भाई देखो। ये है ना हॉर्न, ये है ना महिंद्रा का हॉर्न है भाई। सीधा चल। तो हाई स्पीड गाड़ी को भाई चलाना मुश्किल होता है ना, थोड़ा सा स्टेयरिंग इधर उधर चलता ही हमेशा। तो चलते हैं इसको लेके अपने फार्म हाउस के पास ही है वो पॉइंट, सीधी भाई उसका रास्ता तो पता ही है। अजय ब्लॉक्ड भाई, मुझे लगता है वो चूरा सा जो पड़ा है ना उसकी वजह से ब्लॉक हो रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक प्लो लेके आता हूँ और उस किनारे किनारे पे
कल्टीवेट कर देता हूँ उसको। कल्टीवेट करने से भाई वो जगह साफ़ हो जाएगी, क्योंकि ये तफने तो फंसते रहेंगे, दिक्कत होती रहेगी मुझे। ओके चल भाई, देखते हैं भाई को आया तो नहीं गाड़ी। कोई नहीं यार, चलो निकाल लो। इधर को भाई, इस तरफ चल, अपने अपने रोड पे चल। तो उसको उस जगह को जो चूरा है ना, वो गन्ने का चूरा जड़ा बच गया सी भाई, उसको करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत वाला मामला हो जाएगा। तो भाई मैंने आवाज़ सेट कर दी थी, कई बार क्या होता है गेम की साउंड ज़्यादा, मैं कोई गेम प्ले बनाता हूँ ना बिना कमेंट्री के, तो उसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि भाई आवाज़ सही तरह सुने। ओ भाई कहाँ घुस रहा, कहाँ घुस रहा। तो सीधा चलते हैं भाई रेंच से, रेंच के वहाँ से निकल जाएंगे बिल्कुल सीधा सीधा, मोड़ना नहीं पड़ेगा। चलो यार एक काम करते हैं ना भाई, खेतों के अंदर चलते हैं, इस घास के अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा लगता नज़ारा। ये भाई सही लग रहा, देखो क्या स्पीड में जा रहा। अभी तो फुल स्पीड ही नहीं कर रखी मैंने, 80 की फुल स्पीड है, मैंने 60 कर रखी। कहाँ गया रोड, ये है भाई सड़क। कीबोर्ड से जब मैं चलाता था ना, जब मैं गेम खेलता था, तो ऐसा नहीं लगता था कि इतनी स्पीड पर जा रहा है, लेकिन अब स्टीयरिंग व्हील से ऐसा फील होता है सच में यार इतनी स्पीड पर जा रहा है। ये कीबोर्ड से मुझे स्पीड महसूस नहीं होती थी, ये फ़र्क है भाई बहुत, मैंने ये जो महसूस करा। तो कीबोर्ड से 500 की स्पीड भी ऐसी नहीं लगती थी कि 500 की है, इससे 100 की स्पीड ऐसी लगती जैसे भाई 500 पे चल रहा है। अब स्पीड 80 की है। दरअसल बाहर से चलाओ ना तब इतनी स्पीड नज़र नहीं आती, अंदर से लाओ तो पता लगता सीधा, तो ये भी फ़र्क हो सकता है शायद। तो भाई पॉइंट बस पुल के पार है, देखो सामने बत्ती हरी हरी लाइट चमक रही है। चल भी महिंद्रा पहुँच जा जल्दी फटाफट। अरे वहाँ पे वुल बिकेगी कैसे भाई, वो पॉइंट वुल का तो है ही नहीं है। इस गेम के अंदर भी भाई बड़े ग्लिच है, इस मैप के अंदर सॉरी। अब वहाँ पे वुल का टाइम, वुल तो बिकती है स्पिनरी पे, तो स्पिनरी पे हम बिकनी चाहिए ना जहाँ पे स्पिन करते हैं लोग, लेकिन ये बिक रही है दूसरे पॉइंट पे, बताओ इस पॉइंट पे बिकनी नहीं चाहिए, ये गलत बनाया। चलो जो भी है भाई, जहाँ रेट हाई मिलेगा वहीं पे बेचेंगे। मैं सही आया ना, एक मिनट मैं दोबारा चेक कर लूँ यार, मुझे लगता है मैं गलत पॉइंट पे आ गया शायद, मतलब गलत पे ना आ गया हूँ। यहाँ पर वुल का कोई मतलब ही नहीं बनता, और यहाँ पे वुल कैसे बिक रही है। एक मिनट, रुकियो भाई एक मिनट रुकियो, जरा चेक करो। तो एक बार चेक करते हैं भाई वुल, ठीक है ना। हाँ भाई इसी रेस्टोरेंट वाले वुल लेके क्या करेंगे यार, समझ नहीं आया। हाँ ये है स्पिनरी, स्पिनरी पे बिक रही है 804 रुपये की। रेंच पे भी बिक सकती है, रेंच पे खेत वाले लोग होते हैं वो खरीद सकते हैं। वेस्टर्न पॉइंट का नहीं पता, मिल स्टेशन और रेस्टोरेंट का कोई मतलब नहीं है, रेस्टोरेंट वाले वुल लेके क्या करेंगे। चलो भाई जब कह रहे हैं यहाँ पे बिकेगी तो यहीं बिकेगी। अब शुक्र है कि ऊपर तक नहीं भरी हुई भाई, अगर ये ऊपर तक होती तो इसके अंदर जा ही नहीं पाती, इसके अंदर घुसती नहीं है। चल भाई महिंद्रा को साथ ही, ओके अब जहाँ पर बिकेगी कैसे, ओके बिक जाएगी देखते हैं। ओके चल भाई कैसे बिकेगी यहाँ पे अनलोड। अच्छा भाई मैं भूल गया, मैंने काफ़ी टाइम से बेची नहीं है। लो भाई गई अपनी वुल 15,000 की, चलो बस इतनी। तो अब मैं इसको ले तो आया हूँ ऑटो लोडर को, इसको मैं यहीं पे खड़ा कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, इसको बाद में ले जाऊँगा मैं। खैर तो ऑटो लोडर की ज़रूरत ही नहीं रही। ओ हाँ यार बत्तख के अंडे भी बेचने वाले थे पिछली बार, वो रह गए थे, तो इसको एक बार मैं भाई साइड में कर दूँ, क्योंकि अभी हार्वेस्टर आएंगे तो दिक्कत करेंगे। तो इसको साइड में खड़ा कर दूँ और देखता हूँ कौन सा हार्वेस्टर ब्लॉक हो गया है, तो मैं कल्टीवेटर लेता हूँ और किनारे किनारे पे कल्टीवेटर चला देता हूँ, ताकि जहाँ जहाँ पर वो चूरा सा बच गया है ना वो कल्टीवेट हो जाए भाई, और अपने हेल्परों को दिक्कत ना हो। देखो यहाँ तक तो ये पड़ी, देखो ये लगा ढेर यहाँ पे, ये रहा ये ढेर, देखो कैसे बच गए, ये थोड़ी थोड़ी बच गई है। चलो यार मैं करता हूँ इसको, उसके बाद फिर मिलता हूँ आपको बाद में। तो मैं ज़रा इसको सही करके और कल्टीवेट कर देता हूँ एक बार, ठीक है, तो हेल्पर फिर फंसेंगे नहीं अपने। चलो भाई वुल तो बेच दी थी, और भाई ये बचे थे अब बतख के अंडे, तो इसके लिए भाई मैंने लिए महिंद्रा 415 DI, तो इस ट्रैक्टर को मैंने शामिल कर लिया इसके अंदर, यार अच्छा लगा बहुत ही। तो इसको लेके चलते हैं अंडे बेचने, बहुत सारे अंडे, देखो यार पीछे कितने सारे मुर्गी उसके बतख के अंडे,
तो मैंने चेक करा है कि बतख के अंडे और भाई मुर्गी के अंडे एक ही रेट है, और इसमें कोई स्पेशल जगह नहीं है मुर्गी के अंडे बेचने की, बतख के अंडे सॉरी। तो जहाँ मुर्गी के अंडे बिकते हैं अपने चिकन के, वहीं पर बिकेंगे डक के यानी बतख के। तो डेयरी पे बिकेंगे, डेयरी पे चलते हैं फटाफट, इस अंडों को इन अंडों को बेच के देखते हैं कितने पैसे मिल जाएंगे यार, कुछ तो फ़ायदा होगा। तो डेयरी कहाँ पर है भाई? डेयरी यहीं पर अपने घर के पास ही, तो एक वो है भाई सामने ही अंदर, तो शॉप के पास ही है। अरे जा रहा भाई अपना महिंद्रा देखो फटाफट से। ओ भाई हट जा भाई, हट जा हट जा हट जा। तो इसको चलाते हैं जरा इधर को, और यार डेयरी इधर है तो बीच में से कट है क्या? अरे यहाँ पे रोड है क्या? हाँ भाई आया 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 भाई, रोड है तो सही नहीं है? हाँ भाई सड़क तो बना रखी है भाई ने, देखो। तो मोड़ते हैं इसको, डेयरी पे लेके चलते हैं डेयरी पे। हाँ पिछली बार दूध तो बेचा था, तो अब बचा है सिर्फ, यार ये सीधा क्यों नहीं चलता तो अब बचा है भाई सिर्फ हमारे पास बकरी का दूध, गोट का, गोट मिल्क, उसको बेचेंगे अगली बार। आज सारा सामान बेच देंगे। अरे यार इधर से भी रास्ता था, एक मिनट वापस चल, वापस चल, इधर से भी रास्ता था, वापस करते हैं एक बार यहाँ से। अच्छा मुझे लगा एक ही गेट है उसका, तो दो गेट बना रखे हैं भाई ने, ले आप भेज दिया, इनको भेज देंगे यहाँ पर ले जाकर डेयरी। अब तो कुछ समझ में आया भाई, डेयरी वाले अंडे ले रहे हैं ये तो चलो ठीक है, डेयरी पर अंडे तो बिकने चाहिए, लेकिन अंडे भाई एक मिनट, ओह बेचने के लिए भाई उस पॉइंट पर जाना पड़ेगा। ओके ओके ले भाई इसके ऊपर, बिल्कुल इसके ऊपर लाना पड़ेगा ट्रेलर। एक मिनट भाई देखो जरा, थोड़ा सा और आगे ले लो भाई। अब यहाँ से दबाते हैं इसको, अंडे को बेचते हैं, अनलोड करते हैं। चल भाई ओके, नहीं ये अंडे गए भाई, ओह भाई 60,000 के, 67,000, 67,000 के अंडे भाई, बहुत ही महंगे बिके यार भाई, बोल से तो बहुत महंगे बिके। ओहो मुर्गी पालने में फ़ायदा है। तो चलते हैं अपने ट्रक को, अपने ट्रैक्टर को वापस लेके भाई खड़ा कर देंगे अपने ले आकर। और अब मुझे लगता है ऑटो लोडर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटो लोडर से अपना काम हो गया भाई, हमने सारे तो जानवर बेच दिए, बहुत ज़्यादा ही पशु हो रहे थे यार, मैंने कहा थोड़े से कम किए जाएँ। और ये क्या चीज़ है भाई, ये पता नहीं किस चीज़ के प्लांट लगे हैं इसमें, काफ़ी कुछ है वैसे, हमने कुछ करा नहीं इस मैप में ज़्यादा, हमने सिर्फ खेती करी है। इसके अंदर और चीज़ें भी बनती हैं, ब्रिक भी है, ईस्ट भी बनती है, पता नहीं भाई अब वो कैसे बनेंगी, उसके लिए फैक्ट्री लगानी पड़ेंगी अलग अलग। चल भाई चल 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 चल, निकल निकल, हट रहा नहीं हट रहा। तो चलते हैं इसको खड़ा करते हैं वापस, और उसके बाद चलते हैं अपने हेल्पर को, हेल्पर पे नज़र मारते हैं भाई, देखते हैं क्या काम कर दिया उन्होंने। और अपना फार्म हाउस आ चुका है, अब वैसे इसको अंदर घुसाते हैं यहाँ से। तो स्टेयरिंग में यार सेंसिटिविटी मैंने बढ़ाई तो है, ये देखो ये देखो ये गैप को भाई, इस गैप को कैसे कम किया जाए, जितनी मर्जी सेंसिटिविटी कर लो लेकिन ये गैप तो रहता ही है। चलो भाई वापस आ गए। तो स्टेयरिंग में थोड़ी सी प्ले होती है, इसको प्ले बोलते हैं ना, थोड़ी सी प्ले होती है हर स्टेयरिंग के अंदर, तो शायद ये प्ले का ही कमाल है। तो ये प्ले नहीं हटेगी भाई, ये तो रहेगी। और गाय की सफाई मैंने कर दी थी, घोड़े अभी अपने तगड़े हो रहे हैं, अभी दूध भी अपने पास थोड़ा सा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। गाय का दूध भाई 60-70,000 है, 60-70,000 किलो, तो ज़्यादा हो जाएगा, अगली बार भेज देंगे, अभी तो आने दो जितना आ रहा है। और मैंने भाई स्लरी बेच दी है, स्लरी भर दी थी, बेची नहीं थी, और मैंने भाई वो बेच दी अपनी, क्या होती है यार, मैन्योर खाद, तो मैन्योर मैंने बेच दी थी, बाकी बची अपनी और सामान। चल भाई ओके, तो यहाँ पर खड़ा हो जा। ओके ओके ओके, गंदा हो गया क्या, देखते हैं यार एक बार। यार इस प्लेयर को चलाने के लिए कीबोर्ड का सहारा लेना पड़ता है, तो ये चलता नहीं इसके बिना, ये भाई गंदा हो गया थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, इसको आके सेट करते हैं। अब चलते हैं हेल्परों के पास भाई, एक नज़र मार लेते हैं जरा खेत कितना कट गया। ओ भाई इन्होंने दोनों ने तो भाई, इन तीनों ने तो उड़ाई दी है देखो, तो मतलब यहाँ पर अगली बार मैं अगर लगाऊंगा 36 मीटर के, तो मुझे दो लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार देखो ना तीन ने इतनी जल्दी काट दिया, और ये अभी लगे हुए भाई चार, और ये भाई कहाँ चला गया। अरे यार तू क्यों खड़ा हो गया, देखो इसने भाई ने अपना काम ख़त्म कर दिया। और चलते हैं इसके अंदर, ओ इसने भाई यहाँ नहीं काटा, चलो इसको वापस करते हैं एक बार। आ जाए आ जाए वापस, आ तो भाई इसने इधर नहीं काटा, तो आज काटते हैं हार्वेस्टर से, इसको करते हैं भाई डाउन। एक मिनट, इसको करते हैं भाई डाउन, किससे होता है L2 से, और इससे
अरे यार इससे तो हट गया, एक मिनट। अरे यार एक मिनट भाई, डाउन वी से और वी से, एक मिनट F1 ऑन करता हूँ तो अभी आएंगे बटन देखने। हाँ अब आ गए ना बटन, ये देखो तो डिटैच हॉर्न लो हेडर L2 और 0 से, L2 और इससे, ये हो गया लो। और इसको चलाने के लिए कौन सा बटन है भाई, तो इसी से चलेगा, कट जाएगा। ओ नहीं कटा भाई, नहीं कटा, ये ऑन भी तो करना है। एनेबल स्ट्रॉ मैथ, ओके, हायर वर्कर है, डिटैच पाइप आउट, ये सिर्फ डाउन हो गया, चल क्यों नहीं रहा। टर्न ऑन, अच्छा टर्न ऑन आ तो रहा नीचे L2 और इससे ऑन होगा, ओके। तो ये देखो ये बटन आते हैं, लेकिन हमें अभी कुछ बटन का पता नहीं है, ठीक है। तो इससे हो गए भाई हार्वेस्टर, ये देखो आज हम चला रहे हैं भाई इससे, अंदर चलाते हैं थोड़ा सा। ये भाई कितना लंबा है यार ये, अंदर से तो भाई कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि हेडर बहुत लंबा है। तो इसको लेके चलते हैं और हेल्पर लगाते हैं इसको वहाँ पे, और व्यू यार बहुत बड़ा हो रहा है, छोटा कर लेते थोड़ा सा ताकि भाई नज़र तो आए कुछ। चल भाई चल चल चल, तो खेत कट ही जाएगा मुझे लगता है, आज जल्दी कट जाएगा क्योंकि बड़े बड़े हेडर लगे हैं। लेकिन हार्वेस्टर मैंने इतने सारे तो लगाए नहीं है, फिर भी इनकी स्पीड भाई, स्पीड 50 की है ना, इसलिए जल्दी काट रहे हैं। और इसको अभी तक 1 मिलियन भी नहीं मिला, लो भाई इतना बड़ा खेत काटा और अभी तक 8 लाख मिला इसको, तो सनफ्लावर के बीज मिले हैं इसको 8 लाख बस यार, बहुत कम है। तो इसको लगा देते हैं भाई को कोने से, तो एक मिनट देखता हूँ भाई कौन सा कोना पास है, ये है कि ये है भाई, ऐसे तो पता नहीं चल रहा, एक सेकंड। तो भाई ये पास है, देख चल भाई इधर ही चल, इधर को चल भाई, इधर को चल, चल कोने पे। इसको बंद कर देते हैं भाई अभी L2 से और इससे, ऊपर उठा लेते हैं ना, तो इससे डाउन होता है, इससे ऑन होता है, ओके अभी बंद कर देते हैं। अच्छा जब इसको ऑन करते हैं तो डायरेक्ट नीचे भी हो जाता है और भाई चलने भी लग जाता है, तो कई बार डाउन करो उसके बाद ऑन करो हार्वेस्टर को तो चलता है, और कई बार डायरेक्ट चल जाता है यार। ये इस गेम का समय नहीं आया कुछ, थोड़ा सा हिसाब किताब उल्टा सीधा। भाई क्या स्पीड पे भागा, 130 की स्पीड है भाई इसकी, 130 पे जा रहा है देखो। चलो इसको लाते हैं थोड़ा सा घुमा के, भाई बहुत बड़ा है ना, थोड़ा सा सही तरह घुमाना पड़ेगा। तो इधर चल भाई, थोड़ा बाहर कर ले इसको, पन्नू ब्लॉक सन्नी ब्लॉक, भाई उनका काम हो गया इसलिए ब्लॉक होने लगे अब। चल भाई तू यहाँ पे लग जा, और अब चलते हैं भाई दूसरे हेल्पर के पास, वो ब्लॉक हो गए होंगे ना ये दोनों, देखो ओके इनका काम ख़त्म हो गया। चलो इन्होंने पाइप क्यों निकाल दिए, अरे पाइप तो बंद कर लो भाई। तो इसको मिला भाई 1.2 मिलियन, और उसको भी इतना ही मिला होगा, और इसको कर लेते हैं अभी बंद। लो भाई इसको बाहर खड़ा कर देता हूँ यार इनसे, चलो यार रहने दो इनको, यहीं पे रहने देते हैं, अब इतनी दूर कौन लेके जाएगा, वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है। चलो इसको, चलो मैं इनको बाहर लगाता हूँ एक बार, ठीक है। इसको अभी किंग को काटने देते हैं, और इन तीनों को मैं यहाँ पे खड़ा करता हूँ, और एक हार्वेस्टर ट्रॉली लेके आता हूँ। भाई दूसरे के अंदर कितना माल आया, इसके अंदर 1 मिलियन भाई, 1.2 मिलियन, और इसके पास कितना आया, इसके पास 1.2, यानी कि 3.5 मिलियन बस। भाई सूर्यमुखी ने तो बर्बाद करवा दिया यार, बहुत ही कम मिली है। और गन्ने से देखो भाई $300 मिलियन मिला था, अगर अभी मैं गन्ना लगा देता तो आज मेरा ही ये वाला चैलेंज ख़त्म हो जाता, लेकिन अभी हुआ नहीं। चलो ये काट रहे हैं भाई, इनको काटने देते हैं, मैं इनको इकट्ठा करके इनको यहाँ लगा के और फिर इनसे माल निकालता हूँ। तो लो गाइस अब मैं लाए हैं भाई स्वराज 744 को भी लेके आए हैं भाई इसके अंदर, और इन तीनों हार्वेस्टर का काम तो ख़त्म हो चुका है, इनसे लेते हैं माल जब तक बाकी हार्वेस्टर अपना कर रहे हैं काम। तो इन तीनों से निकालते हैं भाई अपनी सूरजमुखी, और देखते हैं कितनी हुई। मैंने ट्रॉली ली है भाई अभी 10 मिलियन वाली एक, तो इसको लगाते हैं एक बार वापस इधर को। चल भाई इसके नीचे, और इनसे इकट्ठा कर लेते हैं जल्दी जल्दी, देखते हैं। इनके पास तो ज़्यादा नहीं है यार, 3-4 मिलियन ही है, तो शायद दो ट्रॉली से अपना काम हो जाएगा आज, देखते हैं कितनी ट्रॉली लगेंगी आज। चल भाई डाल दे फटाफट, ओके ये आई भाई, इसकी स्पीड बहुत तेज़ है देखो, हार्वेस्टर की स्पीड देख रहे हो भाई, बहुत ही तेज़ है।
और आज भाई अपना आ गया स्वराज, इसका हॉर्न। अरे यार इसका भी हॉर्न ऐसे ही है यार, बाजी हॉर्न लगाया करो। तो इसको भी बनाया मनजोत तूर बाजी ने, मनजोत तूर HR23। तो भाई का चैनल है यार, सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है भाई आपको? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइब करना फ्री होता भाई बिल्कुल। चल भाई डाल दे थोड़ा सा और आगे कर, ओके। तो एक ही ट्रॉली से मुझे लगता काम हो जाएगा अपना, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो भाई क्या शानदार व्यू आता है यार, ओए हो देख रहे हो क्या बढ़िया लग रही। और ट्रॉली मैंने भाई साथ की ली है नीले रंग की, थोड़ी सी डार्क हो गई यार, थोड़ी लाइट वाली लेनी थी तो थोड़ी मैचिंग मैचिंग सी हो जाती। चल भाई हो गया, ओके चल ठीक है आगे चलते हैं। और इसका भी लेते हैं अब, इसको इस ट्रैक्टर को भाई लेके चलेंगे वापस ला भाई थोड़ा सा। तो अब इसको लेके चलते हैं दूसरे खेत पे, वहाँ पे भाई जो 3.5 हज़ार एकड़ का खेत है। तो इसका तो माल आ गया, उनका देखते हैं उससे एक ट्रॉली भर जाएगी कि नहीं। लो भाई इसका भी हो गया, चल भाई ओके। तो उन हार्वेस्टर को भी भाई मेरे को अभी खड़ा करना है सीधा करके, उनको भी लगाते हैं। और इसको जब तक मैं वहाँ पर ले आके सेटिंग तो करूँ, और आराम से तो खंबा है भाई आगे ध्यान से खंबा बचा के, भाई डैमेज हो जाएगी ट्रैक्टर के अंदर बहुत तगड़ी अगर लग गया खंबा। तो देखता हूँ इनका काम अभी कितना बचा भाइयों का, एक मिनट। तो यहाँ पर तो भाई अभी बस इसका काम हो गया, इन दोनों का भी होने वाला है। और एक काम करते हैं, एक इसको देखते हैं भाई को, एक लाइन, हाँ एक लाइन कटेगी और एक लाइन इसी कटेगी। चलो चलो ठीक है, इनको कटने देते हैं अभी, स्वराज को खड़ा कर देता हूँ यहीं पर, बाद में इनसे माल निकालता हूँ अगर ज़रूरत पड़ेगी ट्रॉली एक और लेके, फिर मैं महिंद्रा 415 DI लेके आता हूँ। आज नए ट्रैक्टरों के साथ माल बेचेंगे भाई, इनको भी लगाना चाहिए ना, हम इनको लगाते नहीं हैं। ये देखो भाई चार बीकन चल रहे हैं इसमें, देख रहे हो भाई क्या शानदार लग रहा है। तो ये भी बनाया भाई ने, और लिखा भाई जोर, आगे लिखा भाई जोर जवानी तन पल्ले, फिर जट सिद्धा क्यों चल ले। हाँ जट थी फिर तौर बकरी होगी यार, पैसे आएंगे भाई जेब में, पैसे हों तो अच्छे अच्छे की चाल बढ़िया हो जाती है। चलो यार मिलते हैं थोड़ी देर में, जरा खेत कटने दें, उसके बाद देखता हूँ क्या होगा आज। तो लो भाई सारे हार्वेस्टरों से सामान निकाल लिया मैंने, 2 हार्वेस्टर बचे हैं। और भाई उसकी ट्रॉली स्वराज 744 वाली तो फुल हो गई, तो मैं लाया महिंद्रा को एक ट्रॉली मैंने और लिया भाई 10 मिलियन वाली। तो इसको अच्छा ये इधर सही है, ओके ओके, मुझे लगा इसका मुंह उधर को है। तो 2 हार्वेस्टर बचे हैं बस, इनमें से लगान अपना सूरजमुखी लेना है मेरे को, और फिर इसको बेचते हैं भाई। और ये एक रह गया था यहाँ पर, देखते हैं 10 मिलियन हुआ भाई अभी तक तो यार, बहुत ही कम हुआ है 10 मिलियन से, तो यार क्या होगा बताओ यार, 10 मिलियन तो कुछ भी नहीं हुआ। तो यार सूरजमुखी लगा के तो काफ़ी घाटा हो गया, इससे अच्छा तो गन्ने ही लगा देते बस। लो इसके अंदर भाई 1 लाख माल बचा था, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा होगा। अब ले चलते हैं इसको इसके नीचे, आराम से लगाते हैं भाई इसको यहाँ पर, बस लगाई डाल दे, डाल रहा कि नहीं, अच्छा आगे चला गया, ओके थोड़ा पीछे करते हैं। तो भाई इतना ही आया, अब देखते हैं यार ये बिकेगा कहाँ पर, जब तक माल डल रहा है अपना। तो सूरजमुखी का रेट है भाई 1670 रुपये, और ये बिकेगा मिल स्टेशन 2 पे। ओ यार ये तो वही पर है जहाँ पर मैंने अभी वुल बेची थी, तो ये तो अपने फार्म हाउस के पास ही है, अपने फार्म हाउस के नहीं सॉरी अपने फील्ड के, अपने खेतों के पास ही है यार। चलो यहाँ पर बेच देते हैं, चल हो गया कि नहीं, ओके भाई हो गया। लो इसको लगाते हैं भाई उसके पीछे स्वराज के, और स्वराज चलेगा आगे, महिंद्रा आएगा पीछे पीछे। चल भाई महिंद्रा आ जाए। तो 2 हार्वेस्टर मैंने पहले खड़े कर दिए साइड में, ले लिया सारा सामान। तो जो फील्ड इन्फॉर्मेशन का मोड है उसने बताया था कि 11 मिलियन के आसपास मिलेगी, लेकिन ये मिली है 12 मिलियन के आसपास, 1 मिलियन का फ़र्क। तो मतलब वो मोड जो है ठीक ही है, इन्फॉर्मेशन सही देता है मतलब। तो इसको लगाते हैं और भाई चलते हैं इसमें से उतर के, यहाँ पर हेल्पर आ गया, लड़की आई है भाई। चल भाई इसमें चलते हैं, अपने स्वराज के अंदर लाइटें वाइटें ऑन कर लेते हैं जरा इसकी। तो आज भाई स्वराज के साथ बेचेंगे माल, चल भाई आ जाओ। अरे शोर मत बचाओ भाई, अरे दरवाज़ा बंद कर दो, शोर ना बचाओ। तो आ जा भाई आ जा। तो महिंद्रा आ रहा भाई बड़ी फुर्ती के साथ, ये ओ भाई महिंद्रा की स्पीड पकड़ी हुई बोल। तो ले चलते हैं इसको रोड के ऊपर यार, एक बार सड़क पर चलाते हैं जरा, तो पीछे भी ध्यान रखते हैं महिंद्रा आ रहा कि नहीं। तो आज मैं लाया भाई 2 नए ट्रैक्टर इसके अंदर, क्योंकि पुराने ट्रैक्टर आप देख देख के कह रहे थे कि
कुछ नए ट्रैक्टर लेके आओ। तो नए ट्रैक्टर में पापी और भी आए हुए हैं 3-4 यार टेस्टिंग करने की, उनकी अभी टाइम नहीं मिला, तो करूँगा उनकी टेस्टिंग जल्दी। चल भाई आ रहा महिंद्रा, चलो पीछे महिंद्रा आ रहा है, मैं भाई आराम आराम से चलता हूँ ताकि महिंद्रा रास्ता ना भूल जाए। तो चलाते जरा इसको अंदर से स्वराज को, लेते हैं भाई इसका मज़ा 744। और इसका भाई इसका हॉर्न नहीं लगाया यार, ये कमी रह जाती है बस हॉर्न की, पी 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 ये पुंगी हॉर्न लगा देते ना। तो ये भी बनाया भाई ने मनजोत तौर ने, मनजोत तौर HR 23। तो बस यहीं पे बिकेगा, लो भाई पहुँच गए, पास ही था यार ये तो, ज़्यादा दूर नहीं था। तो आज ट्रॉली भी यार इतनी नहीं लगी, पिछली बार देखा गन्ना कितना था भाई, कितने मिलियन गन्ना मिला था और 300 मिलियन का बिका था यार, और ये देखो कितने की बिकेगी 16 मिलियन की। अरे यार इतना भाई फसलों में इतना फ़र्क होता है यार असली में, मुझे तो लगता है इतना फ़र्क होना नहीं चाहिए था, पता नहीं इतना फ़र्क क्यों नज़र आ रहा है। चल भाई चढ़ा दे, ओके लो भाई ये गई अपनी ट्रॉली और बस 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 थोड़ा सा आगे, अब करते हैं इसको अनलोड। अनलोड किससे होता था, इससे होता है ना R2 और इससे, ओके भाई R2 और इससे अनलोड होगा। लो भाई ये जा रहा अपना सोयाबीन, देख लो फिर कहना मैंने दिखाया नहीं। तो ये इसका बीज निकलता है काला काला, एक ट्रॉली गई अपनी 10 मिलियन की, 16 मिलियन की 16.7। चलो भाई जो रेट था, एक मिनट यार उसको रोक दूँ यार, नहीं तो वो पीछे पीछे आ जाएगा, रुक जा भाई रुक जा। चल भाई स्वराज, स्वराज 744 तो भाई इतने खड़ा हो, तो इसको रोकते हैं यहाँ पे, ओके। और चलते हैं अब महिंद्रा के अंदर भाई, सामान बेचते हैं उसका भी। आज हमने काटी भाई सूरजमुखी, सूरजमुखी ज़्यादा नहीं बिकी यार, रेट ज़्यादा नहीं मिला। चढ़ा दे जावश, ओ बस बस ओ बस भाई बस ओ बस कितने ले गया, ओ वापस कर भाई ज़्यादा आगे चला गया जोश जोश में। तो ऑटो और इससे बिकेगा, लो भाई ये भी गई अपनी कितने की गई भाई 3 मिलियन की, तो 16-3 20 मिलियन के आसपास मिला। ओ यार ये तो बहुत घाटा हो गया भाई भाई कहाँ 300 मिलियन कहाँ 20 मिलियन, 280 मिलियन का घाटा सीधा एकदम प्योर यार, ये बहुत तगड़ा घाटा हो गया आज यार अब क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ कर सकते हैं? अब जो रेट है गन्ने का रेट भी 1000 रुपये ही था, लेकिन गन्ना मिला बहुत ज़्यादा था इसलिए भाई इतना ज़्यादा फायदा हुआ। तो चलो यार ये हो गया आज इसका पार्ट एंड, बताना कैसा लगा। आज हमने लिए हैं 2 नए ट्रैक्टर अपने गेम के अंदर शामिल किए हैं, और आज मैंने जीप भी शामिल कर ली भाई की, तो जीप खड़ी है मेरी, और जीप को थोड़ा तेज चलाया था इसलिए वो इधर उधर भाग रही थी, वैसे अगर मैं उसको नॉर्मल चलाऊँ 60-70 पे तो फर्स्ट क्लास चलेगी। तो चलो भाई ये था आज का गेम प्ले 1000 मिलियन डॉलर चैलेंज का अगला पार्ट, ये शायद 11वां पार्ट है, शायद 10वां या 11वां मुझे ध्यान नहीं है। ओके कैसा लगा बताना भाई कमेंट लाइक करके, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिए, खाएं पिए स्वस्थ रहे भाई एकदम मस्त रहे, और सब्सक्राइब करके जाना भाई, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पीछे कर भाई थोड़ा सा, ओके।